उठी लेकिन अगर तू नहीं उठी ना तो तेरा पागल होना तो तय है। तू भूल गई आज से तेरा शुद्धिकरण शुरू होने वाला है। तू ये बात कैसे बोल सकती है? हाँ पहले तो इसको बिनबिनाना बंद कर। और अरे मेरा शुद्धिकरण है तो तू काय को हल्ला मचा रही सुबह सुबह? फिर भूल गई तू? मैं भी विनायक की पत्नी हूँ और वो भी बीवी नंबर वन। और तेरी लापरवाही की वजह से मेरे पति को कुछ हो गया तो ना बाबा ना, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उठने में तेरी हेल्प करूंगी। तेरी को तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को सोने दे। उर्वशी उठ जा। चंपक चाचा चंपक बाबा आ गए। चंपक बाबा? वो गुरुजी के शिष्य हैं और तेरा शुद्धिकरण वही करवाएंगे। हे भगवान कहाँ फंस गई रे मैं? अब जाने वो बाबा मेरे से क्या क्या करवाएगा। ऊपर से ये पुलिस बनी हुई है, सबसे पहले तो इसका शुद्धिकरण हो जाए, इस चुड़ैल का। अब अगर मुझे गाली देकर हो गया है तो ये ले, ये पहन और जल्दी से नीचे आ जा। छोटी अब मेरे को ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, मेरे से ज्यादा तो नौटंकी की बजट घर के लोग हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो मैं समाधि की तरफ निकल पड़ा था। गुरुजी के पैर छुओ। जी। अनाथ, और अनाथ। पहले दिन ही नियमों की अवहेलना कर दी तुम। क्या हुआ बाबा जी? मैं तो वही सादे कपड़े पहन के आई है जो आपने मेरे को दिया था, लेकिन मेरे को भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आप कहते हो मैं बदल के आती है। अरे नहीं रे इडियट, मेरा मतलब है कि मंद बुद्धि, ये सादे कपड़े तो ठीक है, लेकिन लेकिन ये गहने पहनने के लिए तुम्हें किसने कहा था? पर बाबा जी गहने तो सुहागन की निशानी होती है ना? लेकिन जरूरत से ज्यादा गहने लालच की निशानी होती है। बाबा जी ये सब करने की क्या जरूरत? हरिओम हरिओम हरिओम, श्रीमान शंकर जी और मंजरी देवी जी, यदि आपके बेटे और बहू शुद्धिकरण की विधियों को सीरियसली नहीं लेंगे, मेरा मतलब है कि गंभीरता से नहीं लेंगे, तो फिर इन विधियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर हमारा भी इस घर में रहने का कोई लाभ नहीं। इसलिए आई एम गोइंग, अर्थात मैं जा रहे हैं। बाबा जी रुकिए रुकिए, माफ कर दीजिए, नादान है, मैं समझाती हूँ उसे। हाँ माफ कर दीजिए। उर्वशी किसने कहा था तुझसे गहने पहनने को? चलो उतार सब गहने। अरे तेरी बेवकूफी की वजह से बाबा जी नाराज हो गए ना। चलो उतार उतार, मैं कहती हूँ उतार। बाबा जी अब आइए। हरिओम 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 हरिओम। अगले 7 दिन तक इस बालिका को सरल जीवन व्यतीत करना होगा, ना गहने ना रंगीन वस्त्र ना साज ना श्रृंगार। और हाँ अभी भी जो तुमसे मिस्टेक हुई है, मेरा मतलब है कि त्रुटि हुई है, उसे सुधारने के लिए इसे अभी इसी वक्त इस पूरे घर के 5 चक्कर लगाने होंगे, और वो भी तपस्या के आसन में। छोटी ये देख, ऐसे हाथ ले और ऐसे कर और बोल ओम नमः शिवाय।
अब बोल ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चल अब शुरू होता। ओम नमः शिवाय। 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 बालिके, अब तुम अपने पति के राउंड राउंड परिक्रमा करो और साथ ही अपनी धुरी पर घूमती रहो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य देवी के राउंड राउंड घूमती है। मेरा मतलब है कि गोल गोल घूमती है। तो बालिके आरंभ करो। हरिओम हरिओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गृह दोष निवारण शुरुआत। ओम नमः शिवाय। बाबा जी बस 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, बहुत भूख लग रही है मेरे को। उसके बाद जो कहेंगे ना वो मैं करेंगे। भूख लग रही है मेरे को तो। हरिओम हरिओम हरिओम। बालिके हम इतने भी निष्ठुर नहीं हैं। तुम्हें भोजन चाहिए। भोजन ही तुम्हारा अगला टास्क है। मेरा मतलब अगली परीक्षा है। अगले 7 दिन तक इस बालिका को अपना खाना खुद कुक करना होगा। मेरा मतलब है कि खुद बनाना होगा और वो भी घर के बाहर उपवन में। और एक बात, ये खाना केवल गंगा नहाई गाय के ताजे गोबर से निर्मित चूल्हे पर ही बनेगा। हरिओ हरिओ। बालिके इसी मिट्टी से चूल्हे का निर्माण करना होगा। चलो बालिके आरंभ करो। हरिओम हरिओम। अब छोटी अब ना गोबर को ले और अपने हाथ में ऐसे मसल और उसे मुलायम बना, तब जाकर बनेगा अच्छा चूल्हा। हरिओम हरिओम। छोटी अच्छे से कर, थोड़ा पानी भी ले ले ऐसे। जी, इस सब की क्या जरूरत है? क्यों हम उरुषि से इतनी मेहनत करवा रहे हैं? ये मेहनत तेरे लिए है, तेरी सेफ्टी के लिए, और तेरी सेफ्टी को लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता।
अभी आप सभी लोग जाइए। अब यह बालिका स्वयं अपने लिए भोजन निर्माण करके आपके साथ लंच करने, मेरा मतलब है कि दोपहर का भोजन करने आ जाएगी। रियो, अरे सबकी सब कहाँ चल दी? मैं ये सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? हरियो, हरियो। अति उत्तम बेटा, फूलों का रस शरीर को शुद्ध करता है और ताकत भी बढ़ाता है। श्रीमान शंकर जी, आप भी पीजिए, बहुत स्वादिष्ट है। जी नहीं, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। वाह, आज की दाल मखनी खाकर ना मजा आ गया। सो टेस्टी ना। सुबह से विनायक के ग्रह नक्षत्र के चक्कर में मैं अपनी दुर्गति करवाए पड़ी हूँ और ये सिद्धि आराम से बैठ के दाल मखनी खा रही है। क्या हुआ? मेरी बीवियां जला हुआ खाना खा रही है, इतनी परेशानियां सहन कर रही है और ये खाना खाऊं? पापा जी, ये खाना मेरे गले के नीचे से नहीं उतरेगा। हरिओम, हरिओम। अब थोड़ी देर विश्राम का समय आ गया है और हाँ, विश्राम के बाद फिर से शुद्धिकरण की क्रिया आगे बढ़ाएंगे। हरियो, हरियो। मेरी बीवियां जला हुआ खाना खा रही है, इतनी परेशानियां सहन कर रही है और ये खाना खाऊं? पापा जी, ये खाना मेरे गले के नीचे से नहीं उतरेगा। ताई, क्या हुआ आपको? दिखाओ मुझे। आई, आपका हाथ कैसे जल गया? ताई, ताई, क्या सोच रही हो? ताई, क्या हो गया है आपको? सुबह से विनायक ने खाना नहीं खाया है। अरे मैं कहती हूँ, उस ड्रामेबाज के लिए खाना छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, आजकल मैं देख रही हूँ विनायक के दिल में ना उस उर्वशी के लिए कुछ ज्यादा ही सिंपति आ रही है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं ध्यान से क्या कर रही हूँ? आप धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। कंट्रोल योरसेल्फ ताई। ताई, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, लेकिन ताई ये सब कुछ समय का फेर है और सब ठीक हो जाएगा। ये अपने विन के लिए बनाया है ना, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप खुद जाकर उन्हें देकर आइए। हाँ चलो। नहीं प्रजी, विनायक को अगर पता चलेगा कि ये पोहा मैंने बनाया है तो वो इसे कभी नहीं खाएगा। मैं किसी और के हाथ से भिजवाती हूँ। लेकिन ताई, रघु भैया, Yeah.
भुआ किसने होना है? सिद्धि, ये पोहा तुमने भेजा मेरे लिए। तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी, मैंने यहाँ नीचे कुछ खाया नहीं तो तुमने ये पोहा बना के मेरे लिए कमरे में भेज दिया।